नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल DK टूर ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ राम की नगरी अयोध्या में आया हूँ और आज मैं आप लोगों को अयोध्या धाम में प्रवाहित पावन सरयू जी, राम की पैड़ी और श्री चंद्रहरि मंदिर का दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सरयू तट पे बने नए घाट पर। दोस्तों, सरयू नदी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि सरयू नदी भगवान विष्णु के अश्रुओं से प्रकट हुई है। दोस्तों, आनंद रामायण के यात्रकांड में उल्लेख है कि प्राचीन काल में शंकासुर नामक दैत्य ने वेद को चुरा कर समुद्र में डाल दिया था और वह स्वयं छुप गया था। तब भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण कर शंकासुर दैत्य का वध किए थे और ब्रह्मा जी को वापस वेद सौंप कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और उस समय हर्ष के कारण भगवान विष्णु जी के आँखों से अश्रु टपक पड़े। तब ब्रह्मा जी ने उस अश्रु को मानसरोवर में डालकर सुरक्षित कर ली। फिर इस जल को महापराक्रमी वैवस्त महाराज ने अपने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला और यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। सरयू नदी हिमालय के कैलाश पर्वत से निकली है। पुराणों के अनुसार सरयू नदी श्रापित है। जब भगवान श्री राम सरयू नदी में जल समाधि ले लिए थे तब भगवान शंकर जी बहुत ही क्रोधित हुए और सरयू जी को श्राप दे दिए। इसलिए सरयू नदी के जल से कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं किया जाता। आप सामने देख सकते हैं मंदिरों के समूह का बहुत ही खूबसूरत मनमोहक दृश्य है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं राम जी की पैड़ी पर। यहां पर श्रद्धालु राम जी की पैड़ी से निकलने वाली सरयू जी की जलधारा में स्नान करके आनंदित हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य है। दोस्तों, अब हम चलते हैं श्री चंद्रहरि महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं फूल माला की दुकानें लगी हुई हैं। सामने आप देख सकते हैं यह श्री चंद्रहरि महादेव मंदिर का मुख्य गेट है। अब यहां से हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह चंद्रहरि मंदिर सदियों पुराना मंदिर है।
इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ पर एक महात्मा जी बैठे हैं, चलिए हम लोग उनसे मिलते हैं। हमारे सामने यहाँ के महात्मा जी हैं। महात्मा जी से इस मंदिर की विशेषता और इस मंदिर के महत्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो गुरु जी, इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं, यह मंदिर कब बना और कितना पुराना है? सदियों पुराना। अयोध्या धाम में, स्वर्ग द्वार में, चंदन वन में, भगवान नारायण के वाम नेत्र उत्पन्ना माँ सरयू के पावन तट पर चंद्रमा ने बहुत दिनों तक भगवान नारायण की आराधना करके भगवान नारायण को शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित पराम्बा भगवती लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ के आसन पर विराजमान होकर के जब पधारे तो चंद्रमा जी ने साष्टांग प्रणिपात करके भगवान से निवेदन किया कि भगवान, आगामी कलिकाल आ रहा है और ये स्त्री विग्रह लोक कल्याण के लिए आप यदि यहाँ स्थापित करावें तो इसमें बहुत लोक हित होगा, उनकी सारी कामनाएं सिद्ध होंगी। भगवान बहुत प्रसन्न हुए चंद्रमा की इस आचार्यत्व की पूर्ति वाणी को सुनकर और उनको आशीर्वाद दिया कि चंद्रमा, हम अपने नाम के साथ में तुम्हारा नाम जोड़ लेते हैं। हरि नाम भगवान का पीछे हुआ और चंद्र नाम पहले हुआ। चंद्रेण स्थापितं देवं वंदे चंद्र हरिं प्रभु। यह देवालय राम की पैड़ी पर घाट नंबर 3 पर चंद्रमा के द्वारा स्थापित है। अयोध्या के इतिहास में या रुद्रयामल में या स्कंद पुराण में या पद्म पुराण में जहाँ जहाँ अयोध्या का वैभव वर्णित है उसमें चंद्रहरि भगवान का चंद्रहरि तीर्थ है, तीर्थ का वर्णन है। इसके गेट पर देखिए तो 80 नंबर का पत्थर लगा है, उसमें लिखा है चंद्रहरि जी ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ मासे सिते पक्षे पौर्णिमे सोमवासरे चंद्रेण स्थापितं देवं वंदे चंद्रहरिं प्रभु। उसी दिन ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन आगामी 4 तारीख को जून में ज्येष्ठ की पूर्णिमा है, वो सरयू जी की भी जयंती है, वार्षिकोत्सव है और भगवान चंद्रहरि का भी ब्रह्मोत्सव उसी दिन हुआ है, इसलिए उस दिन बृहद भंडारा शाम के समय चंद्रहरि मंदिर में होगा, बृहद आरती भी होगी प्रति वर्ष की भांति। और सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि इस मंदिर में सारे देवी देवताओं की प्रतिष्ठा है। राधा कृष्ण भगवान है, आंडाल गोदाम्बा जी का अखंड ज्योति की स्थापना है और चंद्र हरेश्वर महादेव का है। इसके गेट पर भी विशाल शिव जी का मंदिर बना हुआ है और इसके बाद भी भगवान भूत भावन भोलेनाथ शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंगों का विशाल अर्घ्य के ऊपर ऐसा अद्भुत दर्शन है कि आप देखते ही आश्चर्यचकित हो जाइए। जो सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि प्रातः सायं पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे न विनश्यति। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अगर कोई प्रातः सायं पाठ करे तो उसके 7 जन्म के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं जी। और चंद्रहरि मंदिर में राम की पैड़ी पर अगर इनका अलंकार प्रियो विष्णु अभिषेक प्रिय शिव अगर इनका अभिषेक कर दे, जलाभिषेक कर दे, जल चढ़ा दे, बिल्व पत्र चढ़ा दे, कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पण,
करोड़ों कन्याओं के दान करने का जो पुण्य है, शिवलिंग पर केवल एक बिल्व चढ़ा देने का पुण्य है। और इससे बढ़ा वैशिष्ट यह है कि अयोध्या में सप्त हरियों का दर्शन है आज की तारीख में। पहले षोडश हरिणाम मध्य चतुर्थम चंद्र पूजितम, पहले 16 हरि थे अयोध्या में। जैसे अयोध्या में चारों दिशाओं में चार ईश्वरों की स्थापना है, उत्तर में नागेश्वर, पूरब में क्षीरेश्वर, दक्षिण में कोटेश्वर, पश्चिम में दुर्गेश्वर, इसी तरह से अयोध्या में सप्त हरि, सत्यायाम सप्त हरयो वर्तन्ते पुण्य वर्धना, पुण्य को बढ़ाने वाले सत्यायाम अयोध्यायाम, अयोध्या में 7 हरि हैं पुण्य को बढ़ाने वाले, गुप्त हरि, चंद्र हरि, चक्र हरि, बिल्व हरि, शेष हरि, पुण्य हरि, धर्म हरि, तस्मात् चंद्र हरे है पूजा। ये स्वर्ग द्वार में राम की पैड़ी पर चंद्रमा के द्वारा स्थापित भगवान चंद्र हरि सकल कामना को सिद्ध करने वाले देवता यहाँ पर विराजमान है। आप सभी भक्तों से हमारा यही निवेदन रहता है कि आप अपनी कामनाएं पूर्ण करें। यदि कभी राम की पैड़ी पर स्नान करते हैं तो भगवान चंद्र हरि का दर्शन करके और द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पूजा करके अपनी समस्त कार्यां कामनाएं पूर्ण करें। बोलिए प्रेम से चंद्र हरि भगवान की जय। दोस्तों अब हम चलते हैं मंदिर के बाहर की तरफ और बाहर निकलते ही राम जी की पैड़ी है, बाहर का बहुत ही खूबसूरत दृश्य है।